अच्छा जी, ये है इसका रिसेप्शन और ये है नस्ला टावर का बैक साइड का हाल। आप लोग देख सकते हैं कैसा है। ये रिसेप्शन का एरिया था, यहाँ भी एक डोर था बहुत बड़ा, यहाँ पे स्टेयर्स थी। मैंने एक वीडियो यहाँ भी बैठ के पहले बनाई थी। अब हम यहाँ से आपको कोशिश करेंगे पूरी ऊपर तक जो है आपको आज सारी फुटेज दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोग आज मौजूद हैं शारा फैसल नस्ला टावर के बाहर, और नस्ला टावर के बाहर हमने कोशिश की कि आज अंदर जाके आप लोगों को सारी ये फुटेज दिखा सकें, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे दफ़ा 144 लगा दी गई है कि अगर कोई भी बंदा नस्ला टावर के अतराफ में नज़र आया और गैर ज़रूरी इंसान नज़र आया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, जेल जाए भिजवाया जा सकता है या कोई जुर्माना लगाया जा सकता है। तो हमारे काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे जो नस्ला टावर को मुसलसल कवर कर रहे हैं, उसमें एक हमारे ये भी हैं मास्टर वाले भाई भी हैं, हमारे सीनियर हैं, बहुत मेहनत करते हैं और ऊपर जाके बोलते भी हैं कि मैं थक गया हूँ, मेरे पैरों की तलवे जो है वो भी थक गए। ये हैं भाई माशाल्लाह से, कैसे हैं सब, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? इतनी मेहनत आप कैसे कर लेते हैं? मैं मेहनत जो है ना, इतनी लगन कैसे है आपके अंदर? लगन ऐसे है कि ये जो 20 साल मैंने फुटबॉल खेली है जिसकी वजह से मैं थकता नहीं हूँ। थकते नहीं हैं, सिगरेट भी नहीं पीते होंगे? सिगरेट सुन रहा होगा कोई? अच्छा नहीं नहीं माशाल्लाह थे भाई। देखें, इन शॉर्ट ये तो मजाक की बात है। मैंने मास्टर आई भाई को जो है, इनका चैनल है और इनको मैंने हमेशा बहुत मेहनत करते हुए देखा है। इनका चैनल भी ज़रूर देखें और ये बहुत मेहनत करते हैं, हम ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तजावजात की जितनी वीडियोज़ होती हैं ये बहुत अच्छी कवर करते हैं। और मैं भी अपने चैनल के हवाले से ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल पर तो खाना भी आता है और मेरे चैनल पर ट्रैवलिंग भी आती है, क्योंकि मेरा मकसद यही है ईट एंड डिस्कवर का, कि डिस्कवर सेक्शन के अंदर आप लोगों को सब कुछ देखने को मिले, कराची में क्या क्या हो रहा है, कराची के बाहर क्या हो रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रहीं तो बहुत जल्दी इंटरनेशनली भी अपने टूर शुरू कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। आज आपको मेरा कोशिश थी कि अंदर से जाके और जितने 15-16 जितने फ्लोर हैं सारे दिखाए जाते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने फैसला किया है कि बेहतरीन से ड्रोन शॉट्स आप लोगों को दिखाते हैं कि ऊपर जो मशीन है वो किस तरह से चढ़ाई गई और मशीन अभी राइट नाउ ऊपर क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं। और आप लोगों को ड्रोन फुटेज, क्योंकि अभी यहाँ पे एक बड़ा इशू होता है कि जब ऊपर चील वगैरह उड़ रही हो तो ड्रोन उड़ाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन हम फिर भी आप लोगों के लिए अभी ड्रोन फुटेज उड़ाएंगे, वो देखिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक चैनल से और हमारे यूट्यूब चैनल से। बस मेरी तरफ से अभी यहाँ पर ये वीडियो एंड है, बाकी आप ड्रोन शॉट देखें और इसको मज़ीद आगे शेयर कीजिए। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।